हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है। आइए समझाता हूं लीब्रा कैल्क में क्या सीखने वाले हैं। यहां पर देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ आ रहा है एरर 502। अब ये एरर 502 आ क्यों रहा है? अगर मैं इसे नीचे से ड्रैग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एरर 502 अभी भी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, देखिए ये लिखा 1, जैसे ही मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ फर्स्ट आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, जैसे ही 2 लिखा यहाँ सेकंड आ गया। अगर मैं यहाँ मैंने 3 लिखा, तो जैसे ही 3 लिखा तो यहाँ थर्ड आ गया। लेकिन जब तक हमने यहाँ कोई वैल्यू एंटर नहीं की है, तब तक यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं फिर यहाँ पर इसको यहाँ से लेकर के फिर नीचे तक पूरा ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ तक ड्रैग कर दिया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने फिर 6 लिख दिया या 5 लिख दिया या 4 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पर 4th लिखा हुआ आ रहा है। देख सकते हैं ये मैंने कैसे किया, आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर लगाना है आपको चूज़ का फॉर्मूला, तो COOSE चूज़ लगा लीजिए। और अब आपको ये वाली सेल सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दीजिए, डबल ट्रेड कोट्स ओपन कीजिए, यहाँ पर आप दे दीजिए फर्स्ट, तो जो आप लिखेंगे वही चीज़ प्रिंट होकर आएगी। फिर यहाँ कर दीजिए सेकंड, कुछ इस तरीके से, तो ये सेकंड कर दिया। ध्यान रहे कि डबल ट्रेड कॉमा ओपन करके तब आपको क्लोज करना है, तो ये सेकंड कर दिया। फिर यहाँ पर फिर आइए और यहाँ पर कर दीजिए थर्ड, कुछ इस तरीके से, तो ये थर्ड कर दिया हमने, कॉमा दिया। फिर यहाँ पे कर देता हूँ फोर्थ, तो यहाँ लिख दिया मैंने फोर्थ, ओके। और फोर्थ लिखने के बाद इसको भी क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे, यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो FIVE 5 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और आप जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ एरर 502 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एरर 502 कब आता है। तो यहाँ पर जिस सेल को सेलेक्ट करके आपने फॉर्मूला लगाया था, वो सेल में कुछ भी वैल्यू ना पड़ी हो, तो ऐसे कंडीशन में लीब्रा कैल्क में ये दिक्कत आती है। अब यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई ये एरर आ रही है। ठीक है, और अब यहाँ 2 लिखता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको ड्रैग नहीं करवाया हमने, तो ये ड्रैग करवा दीजिए। अब देखिए सब कुछ आता चला जाएगा, यहाँ 3 लिखिए यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ 4 लिखिए इस तरह से आ जाएगा ये। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।